देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज न्यूज। विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले 26 मार्च को भिवंडी शहर में कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि उद्घाटन के पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसको लेकर भिवंडी शहर की राजनीति में तरह तरह की बातें लोगों के मन में पैदा होने लगी। हम आपको बता दें कि शिवसेना से जो बाल्या मामा, जिन्हें सुरेश मात्रे के नाम से जाना जाता है, हम आपको बता दें कि बाल्या मामा के घर पर नाना पटोले जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में एक सवाल खड़ा होता है, क्या बाल्या मामा दोबारा जो है कांग्रेस में आने वाले हैं? दोबारा हम इसके लिए कह रहे हैं कि इसके पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में बाल्या मामा जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट की उम्मीदवारी के लिए काफ़ी जद्दोजहद किए थे, जिसके समर्थन में हम आपको बता दें कि 35 नगर सेवक जो है बाल्या मामा के समर्थन में उतरे थे। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे लोकसभा के, सुरेश तावरे, उनके विरोध में 35 नगर सेवक ने बाल्या मामा का समर्थन किया था। वही हम आपको बता दें कि आज जो बड़ी तेज़ी से यह वीडियो जो वायरल हुआ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जो हैं वो बाल्या मामा के घर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने का फिलहाल कोई कारण तो अभी हमारे समक्ष नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बड़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, फ़ोटो के माध्यम से हम आपको दर्शा रहे हैं कि किस तरह वहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले, उनके साथ में आरिफ नसीम खान और कांग्रेस के कई वहाँ पर हम आपको बता दें कि पदाधिकारी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं।